हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ स्विंग स्टॉक्स नहीं बल्कि एक अपना प्रॉपर स्विंग स्टॉक शेयर करने वाला हूं, जिसपे मैंने रिसेंटली एंट्री बनाई हुई है और इसपे मैंने लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का कैपिटल डिप्लॉय किया है। नाउ शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है ऑन टेक्निकल बेसिस। तो हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों यहाँ पे चीजें चेक करेंगे और देखते हैं कि इस पे कैसी क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ये कोई टिप या एडवाइस नहीं है, मैं बस अपनी स्टडी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो स्टॉक मैंने बाय किया है, क्यों बाय किया है, क्या मेरा उस पे रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, ये सब चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। सो द स्टॉक नेम इज इंडिया ग्लाइकॉल। सो बेसिकली इंडिया ग्लाइकॉल है जो कि ऑफकोर्स स्टॉक का नाम है और डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको फॉलिंग वेज पैटर्न काइंड ऑफ अ थिंग बोल सकते हो कि इस पे फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन है। लेकिन ये भी देख रहा होगा कि यार ये ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी, मोमेंटम अच्छा यहाँ से कर चुका है, तो अब क्या रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, यहाँ पे रिटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर हम ऊपर एंट्री तो नहीं कर रहे हैं कि बॉटम पे ना खरीद के हम टॉप पे खरीद रहे हैं और बॉटम पे बेचना पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ रीजंस। सबसे पहले तो यहाँ पे ये करेक्शन था जो ऑफकोर्स 3-4 जून को जो मार्केट ऊपर नीचे हुआ उसकी बात है, मार्केट ऊपर गया फिर ये अब जो करंट रेजिस्टेंस जोन है ना, इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड प्लान किया। मैंने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा न्यूज का इफेक्ट था। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो ये मार्केट इलेक्शन टाइम पे था, एग्जिट पोल आया, फिर रिजल्ट आए उसके बेस पे। उसके बाद आप देखो तो अगर हम इसके हाई पे एंट्री लेते भी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, तो कोई वैलिड पॉइंट बनता ही नहीं था एंट्री लेने का। लेकिन जब इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पे एंट्री क्लोजिंग सॉरी जो कैंडल क्लोज की है रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, वहां पे मुझे कंफर्मेशन मिला कि अब मुझे यहाँ पे एंट्री बनानी चाहिए और अब मैं वही एंट्री बनाने का मैंने एंट्री बना ली है। और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसको स्टडी पर्पस के लिए जरूर देखिएगा, आप भी इस पे टेक्निकल एनालिसिस जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि नो अच्छे रिजल्ट्स ये शॉर्ट टर्म में दे सकता है तो जरूर आप भी इस पे एंट्री बनाइएगा, ठीक है। ओके सो 2013 में हम देखते हैं द कंपनीज लाइक 2023 से 2024 तक का डेटा हमारे पास है और इसके बीच में अगर हम स्टडी करें तो इनका जो रेवेन्यू है द सेल्स दैट इज यू नो स्टेबल है 2000 करोड़ के आसपास, 2005 करोड़ के 2500 करोड़ के आसपास स्टेबल है। फिर 2018 में ये 3000 करोड़ की यहाँ पे सेल्स को क्रॉस करते हैं, 2019 में भी 3300 करोड़ की सेल्स है। फिर 2020 में ऑफकोर्स लॉकडाउन का पीरियड है तो सेल्स डाउन हो गई और वो 2 साल तक उसका इफेक्ट हमें देखने के लिए मिला, लेकिन आफ्टर उसके बाद फिर से बाउंस बैक है और कंपनी ने अगेन 3200 करोड़ के आसपास का इसका हाईएस्ट एवर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इसने अभी 2014 के बाद से, मतलब पिछले 10 साल में इसने हाईएस्ट एवर अपना जो है सेल्स का यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स यहाँ पे इंक्रीज जो है दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड्स द डायरेक्ट नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो कंपनी वॉज इन लॉस टिल 2016, 2013 में ऑफकोर्स दे मेड सम प्रॉफिट्स बट आफ्टर दैट 3 इयर्स तक दे वर इन लॉसेस कंटिन्यूअसली। लेकिन फिर इवन इन द लॉकडाउन इटसेल्फ उनके प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए और अभी दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देयर प्रॉफिट्स। मतलब प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, सेल्स में इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे अगर सेल्स इंक्रीज होती है, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग। वहीं अगर हम चलते हैं सीधा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे कि इन्वेस्टर्स कितने क्या है, ऐसा तो नहीं है कि रिटेलर्स ही ज्यादा है, प्रमोटर्स सही नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सही नहीं है। तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स बहुत कम है, 0.08%, 1.80%, बट जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक अगर आप देखो 2021 के जून क्वार्टर से मार्च 2024 तक का डेटा अगर हमारे पास है तो 61.02%, मतलब एक स्टेबल उनका जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है, यानी कि वो अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट्स कि प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 51% से ज्यादा रखा हुआ है और वो ऑफकोर्स 61 है, दैट इज अ गुड थिंग। नाउ एक चीज और देखेगी कि 37% यहाँ पे रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन है और पिछले 2-3 सालों में ये थोड़ा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन उसके सामने हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स का भी यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.12%, 1.17%, 1.29%, तो ये भी हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स का भी स्टेक इसमें धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स की थोड़ी बहुत स्टडीज हमें करनी है व्हेन एवर वी आर टेकिंग द स्विंग ट्रेड, कि नॉर्मल हमें इतना खास नहीं देखना है कि पूरी बैलेंस शीट और पूरा डिटेल में जाके पढ़ना है या फिर एनुअल रिपोर्ट्स, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिक फंडामेंटल्स करके हम सीधा टेक्निकल बेसिस पे काम कर सकते हैं। नाउ
बैक टू द टेक्निकल्स। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया कि डेली टाइम फ्रेम पे ये 3 जून और 4 जून की कैंडल्स हैं, जो कि काफी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। तो इस पॉइंट पे एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं था, इट वाज टोटली ऑन न्यूज बेस। बट अभी जो ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस के बाद जो ब्रेकआउट आ रहा है, दिस इज द पॉइंट जब हमें यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। और टारगेट्स उतने खास बड़े अभी आप लोग को नहीं दिखाई देंगे। अगर हम करेंट मार्केट प्राइस पे एंट्री करते हैं और इसका जो लास्ट 52 वीक हाई के आसपास हम देखें, तो सिर्फ 8% के आसपास रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका ऑल टाइम हाई के पास जाएं, ठीक है, ऑल टाइम हाई है इसका ऑलमोस्ट 1151 के आसपास, और वहां तक के अगर हम टारगेट्स लेते हैं तो दैट इज अराउंड 27% रिटर्न्स। तो 27% के आसपास रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में नॉट अ बैड डील, आई विल से नॉट अ बैड डील, क्योंकि 27% ऑफ कोर्स एज अ स्विंग ट्रेडर व्हाट माय टारगेट इज कि मैं मंथली 5-10% दैट व्हाट आई वांट टू जनरेट, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो ऑफकोर्स वी विल कीप इन आर पॉकेट्स, लेकिन यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा 27% का टारगेट दिखाई दे रहा है। नाउ दैट इज नॉट फिक्स्ड कि अब ये एक दिन में आएगा कि एक हफ्ते में आएगा या फिर एक महीने में या दो महीने में आएगा, हमें इसको कैश में लेना है। फ्यूचर्स या ऑप्शंस इस पे अवेलेबल ही नहीं है, तो हम ऑफकोर्स इसमें इक्विटी में ही जाएंगे और पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे। नाउ अगर ये एक हफ्ते में 15 दिन में कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता है, कोई भी प्रॉफिट नहीं देता है, तो फिर पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको आपके कैपिटल का मैक्सिमम 10% इस पे डिप्लॉय करना है। तो आप 10% डिप्लॉय करना और 10% का स्टेक इस पे डाल के होल्ड करना स्टॉक को, ठीक है। नाउ मैंने इस पे 5 लाख रुपीज ऑफकोर्स इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब हम उसके थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा टारगेट कहाँ पे है। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो एंट्री मेरी थोड़ा सा नीचे हुई थी, लगभग यहाँ पे, ज्यादा ऊपर नहीं है प्राइस, आप भी करेंट प्राइस पे एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आई विल कीप एट अराउंड 858 लेवल्स, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं टारगेट जो है मेरा ऑल टाइम हाई के आसपास है। और वेन एवर द स्टॉक इज ब्रेकिंग इट्स 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई, उसके बाद जो रैली आती है दैट्स इनसेन, क्योंकि 52 वीक हाई जब ये अपना क्रॉस करता है या फिर ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, जो 5-10 साल का रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। नाउ रिस्क रिवॉर्ड इज ऑलमोस्ट 1:6, मतलब अगर 1000 रुपीज की मेरी रिस्क है तो उसके सामने कहीं ना कहीं 6000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मैं जनरेट इस पे कर सकता हूँ। अगर मैं 100 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ तो मतलब 600 रुपए का प्रॉफिट है, 1000 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ तो 6000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने 5 लाख ऑफकोर्स डिप्लॉय किया है एंड डिवाइडेड बाय मेरा एंट्री प्राइस है अराउंड 898 के आसपास, तो 898 से डिवाइड कर लेते हैं। I have the quantities around 500. Let's assume I have 500 quantities. ठीक है? Now 500 quantities में जो stop loss है वो है सिर्फ 40 रुपए का। अब 500 quantities हैं, अगर मेरा SL hit होता है 40 रुपए का, तो जो total risk निकल जाएगी that is around 20,000 only. सिर्फ 20,000 रुपए की मेरी रिस्क है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। लेकिन उसके सामने मेरा प्रॉफिट कितने का है, मेरा प्रॉफिट अगर टारगेट हिट होगा तो कितने रुपए का मुझे प्रॉफिट मिलेगा, 252 रुपीज का हमारा टारगेट है, मतलब 252 रुपीज हमें इसमें गेन करना है मल्टीप्लाई बाय आई एम होल्डिंग 500 क्वांटिटीज, तो 1,25,000 रुपीज का प्रॉफिट, उसके सामने 20,000 रुपीज की रिस्क, इट इज मोर देन 1:6 आई गेस, क्योंकि 20,000 के सामने 1,25,000, 1,20,000 से भी ज्यादा है, तो 1:6 से भी ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड इस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 5% 10% 15% का गेन लेके निकल जाते हो या फिर अच्छे टारगेट्स के लिए, अच्छे गेन्स के लिए इसको होल्ड करते हो। तो ये मेरी स्टडी थी, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस था, जो मैंने जिस पर्टिकुलर बेस पे, जिस लॉजिक के बेस पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कैपिटल इस पे डिप्लॉय कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं 10% से ज्यादा कभी भी एक स्टॉक में अपना स्विंग कैपिटल नहीं डालूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। एंड द गिव अवे इज लाइव, जो हम वेबिनार कर रहे हैं और जो लैपटॉप गिव अवे है, तो वो अभी लाइव है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पे मैसेज कर सकते हो दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द वेबिनार, यू विल गेट द डिटेल्स फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।